कंप्लीट वीडियोस हैं वो मैं गारंटेड नहीं बोल सकती, क्योंकि काफी बार मेरे यहाँ से रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो सर जब उस साइड से शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग तभी पॉसिबल हो पाता है। तो जो वीडियोस इसके अंदर रिकॉर्डेड है आप स्टार्टिंग करिए, थोड़ा थोड़ा जहाँ प्रॉब्लम आएगा मैं अगेन आपको बता दूंगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी क्लास अटेंड करा है, तो वो थोड़ा सा आप बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद कौन कौन से पॉइंट अपने हुए थे, 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को करवाए थे। सुधीर बेबी क्लास के अंदर 3 पॉइंट मैंने आपको करवाए थे। टॉपिक अपना चल रहा था मेजर ट्रेड सेंटर, जिसके अंदर सबसे पहला अपना था पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र के बाद सेकंड अपना था पेशावर, एंड थर्ड मैंने करवाया था तक्षशिला, ठीक है। खुशी इंटर हुई है, वो भी बार बार मुझे पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट में जाके उनको एंटर करवाना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने दोबारा मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, फटाफट बताऊंगी, कंप्लीट नहीं बता रही, ठीक है। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र की बात की थी, तो कोई भी एक स्टूडेंट, मुझे कोई भी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल याद है कि पाटलिपुत्र में मैंने क्या बताया था, तो वो बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड, कोई भी स्टूडेंट जो पेशावर से रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ मैंने आप लोगों को बताया था कि इम्पोर्ट किस चीज का करा जाता था, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कौन सा अपन फॉर्म यूज करते थे, ठीक है, तो वो चीज आप बता सकते हैं। और थर्ड मैंने तक्षशिला बताया था कि सबसे ज्यादा तक्षशिला है वो जगह है, वो फेमस किस लिए हुई थी, तक्षशिला को अपन किस नाम से, मतलब किस उससे अपन फेमस सबसे ज्यादा मान सकते हैं। तो कोई भी एक एक स्टूडेंट है वो तीनों के बारे में एक एक पर्टिकुलर जो मेजर जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंस वो बताएंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है उसके ऊपर मूव करेंगे। गुड मॉर्निंग खुशी। पाटलिपुत्र नोन एज पटना टुडे, ओके, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स पाटलिपुत्र, ठीक है रक्षा, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट जो कि पेशावर और तक्षशिला है दोनों के बारे में कुछ जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई थी वो थोड़ी बहुत आपको याद हो, लास्ट ही अपने लेक्चर में हुआ था ये टॉपिक, पेशावर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर फॉर वूल एंड इम्पोर्ट फॉर हॉर्स, बिल्कुल सही है पूर्वा, वेरी गुड बेटा। और तक्षशिला के लिए मैंने क्या बताया था, अच्छा पाटलिपुत्र में तीन जो मेजर सिटीज थी उनकी मतलब बिटवीन ये क्या होता था, एक ट्रांजेक्शन अपन कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, वो तीन कंट्रीज के बिटवीन चलता था। कौन कौन सी कंट्रीज अपन बोल रहे हैं यहाँ पे, कि पेशावर के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन चलता था ये तीन जगह के बीच में होता था, कौन कौन से तीन, थोड़ा सा माइंडसेट के हिसाब से इसको फटाफट आप लर्न के हिसाब से वो करिए, ठीक है, कि जो मैं बता रही हूँ आपको आप फटाफट उस चीज को एक्सेप्ट करें माइंड के अंदर। अश्मित अगेन आपको प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक लॉग इसमें, पेशावर ट्रांजेक्शन में इंडिया चाइना और रोम, वेरी गुड रक्षा, वेरी गुड, तीनों कंट्रीज में बोला था। तक्षशिला के लिए कुछ बताएगा कोई स्टूडेंट कि तक्षशिला में, तो तक्षशिला एक जो जगह है वो पर्टिकुलर फेमस है वो किस उससे हुई थी, कि तक्षशिला में क्या कमर्शियल ट्रांजेक्शन करा जाता था या फिर बिजनेस या ट्रेड, किसके लिए फेमस था तक्षशिला। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया था, ये सबसे जो फेमस और सबसे ओल्ड जो यूनिवर्सिटीज है उनमें से एक है अपनी तक्षशिला। शॉर्ट में आप लोग टाइप कर दीजिए, आपको लंबा चौड़ा टाइप करने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत ज्यादा आपका टाइम है वो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा अपना। ये बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक अपने हैं कि अपन बहुत ही जो बिजनेस के ट्रेड के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ पा रहे हैं, या पहले जो एक ट्रेड था उनका कॉन्सेप्ट क्या रहा था इंडिया में, अगर इस तरीके का अपने बुक में कुछ मेंशन नहीं हो तो आई थिंक अपने को पढ़ने को ना मिले, ठीक है, और अपन इस चीज से बिल्कुल अपन नहीं रूबरू हो पाए। पेशावर ट्रांजेक्शन बिटवीन, इसके बाद आया है एक सेकेंड, इंडिया चाइना रोम इंपॉर्टेंट लाइन रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, वेरी गुड सुधीर, गुड मॉर्निंग बेटा। फेमस बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, वेरी गुड अपूर्वा। कमर्शियल ट्रांजेक्शन एंड सिटी ऑफ फाइनेंशियल, बहुत सही बोला है। तो ये तीन चीजें बोली गई है, सबसे पहले पाटलिपुत्र नोन एज करंटली सिटी ऑफ पटना, ठीक है, पटना नेम के नाम से करंटली अपन इसको, इस सिटी को जानते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं कि ये सिर्फ कमर्शियल टाउन ही नहीं बोला गया था,
स्टोन्स जो है उसके एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ था पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंटली करंटली अपन पटना सिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पेशावर बोला था, जो करंटली अपन बहुत ही उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, पेशावर। अश्मित दोबारा क्लास में, तो पेशावर में बोला गया था कि जब एक्सपोर्ट सेंटर की बात करें तो वूल बोला गया था, और इंपोर्ट की बात करें तो हुर्सेस आया था। इसके बाद जब तीन कमर्शियल ट्रांजेक्शन तीन सिटीज के बीच में बोला गया था, चाइना, रोम और इंडिया। इसके बाद थर्ड मैंने बताया था तक्षशिला। तक्षशिला में ये बोला गया था, सबसे पहले आप यही रखेंगे कि लैंड रूट था, बहुत ही अच्छा लैंड रूट बोला गया था ट्रेड के लिए, किस किस के बीच में, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में। बुद्धिस्ट जितने भी आए थे उस टाइम में, तो लर्निंग पॉइंट, सबसे मेजर लर्निंग पॉइंट जो था वो बुद्धिस्ट के लिए तक्षशिला ही था। मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा बोला है मैंने, ये नहीं, कंप्लीट ही बुद्धिस्ट है वो, वहीं पर लर्निंग पॉइंट उनका बना था। या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपना अपना नॉलेज है वो अलग अलग तरीके से लिया था, बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी दिए थे, पर मेजर जो लर्निंग पॉइंट है एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए, वो बुद्धिस्ट का क्या रहा था, तक्षशिला। तो तक्षशिला एक जगह का नाम था, तक्षशिला के अंदर ही तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी में एक है, वो भी वहां पे है। अब उसके बाद जब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने बताया था इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ जो अपना था, इंद्रप्रस्थ, इट वॉज द कमर्शियल जंक्शन बिटवीन रॉयल रोड। ये बोला गया था कि शाही रोड के नाम से इस जगह को जाना गया था, कि जितने भी ट्रेड के बीच में मेजर जो एक रूट हुआ करते थे, उनमें से इंद्रप्रस्थ जो जगह थी वहां का एक मेजर रूट भी इसमें इन्वॉल्व करा गया था। रॉयल रोड के नाम से इसको जाना गया था, शाही रोड इसको बोला गया था, ठीक है। इसके बाद में मोस्ट रूट की बात करें तो ये कह रहे हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, चारों ही जगह को मर्ज करने का या कन्वर्ट करने का जो काम है वो इस जगह ने पर्टिकुलर बहुत ज्यादा किया था उस टाइम में, ट्रेड की टाइम में, ठीक है। अपन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद में जब अपन बात करते हैं इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ में सिर्फ अपने को इतना ही याद रखना है कि कमर्शियल जंक्शन बोला गया था। दोबारा ये वही सिस्टम शुरू हो गया है, कोई ना कोई स्टूडेंट है वो लॉग आउट हो रहा है, फिर इन हो रहा है। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ जो है एक कमर्शियल जंक्शन बोला गया था, रॉयल रोड के नाम से जाना गया था, ठीक है, कि एक बहुत ही अच्छा मेजर रूट बोला गया था, जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी की सारी डायरेक्शन है उनको मर्ज करने का एक काम करता था, कि मेजर जो जितने भी ट्रेड के लिए जितने भी रास्ते उस टाइम बनाए गए थे या जाते थे, उनमें से इंद्रप्रस्थ है वो एक मेजर रूट बोला गया था, जहां से बहुत सारे ट्रेड के कॉन्सेप्ट उनको कंप्लीट किया जाता था, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ में आप इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन मथुरा, ठीक है, मथुरा, सॉरी, मथुरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैम, इज दिल्ली इज नोन एज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पर्टिकुलर एक ऐसा अपन कह सकते हैं कि ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, फिलहाल अपन पूरी की पूरी जो दिल्ली है उसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जानेंगे, पर पर्टिकुलर उस टाइम एक इंद्रप्रस्थ हुआ, या फिर आगे अपने बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, तो पर्टिकुलर एक वंशज हुआ करते थे जिनको अलग अलग, जैसे इंद्रप्रस्थ है उनके भी एक बहुत टाइम तक इन्होंने अपना साम्राज्य करा था, तो अपन ये बोल सकते हैं कि दिल्ली साइड में इन लोगों ने अपना जो एक साम्राज्य हो सकता है वो इन्होंने रखा हो बहुत टाइम तक, पर पर्टिकुलर मेजर एक कंप्लीट दिल्ली जो है वो कभी टाइम में इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, ये अपन श्योरली नहीं कह सकते, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ एक पहले एक वंशज हुआ करते थे, आगे भी इस तरीके के बहुत सारे आएंगे, कि अब मेजर जो है, ठीक है, उनमें अपन आगे भी अपने एक इस तरीके का कोई पॉइंट आएगा, ठीक है, जिनमें ये कहा गया था अपने, जैसे कि आएगा अपने गल्फ ऑफ मनार करके एक आएगा, जिसको खंभात की खाड़ी के नाम से जाना गया था, तो ये भी इन्होंने क्या किया था, ये भी बहुत ज्यादा कंट्रोलर थे, जैसे अभी अपने आया ना इंद्रप्रस्थ, वैसे एक पांड्यास करके आएगा आगे, तो पांड्यास में भी क्या थे, पांड्यास भी पहले एक वंशज हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत टाइम तक क्या किया था, बाकी के जो साम्राज्य है उनको विक्ट्री करके और अपने साम्राज्य के अंदर इन्वॉल्व करा था। इस तरीके से ही ये जो इंद्रप्रस्थ था इन्होंने भी इसी तरीके से अपना जो साम्राज्य है वो स्टेबल करा था। तो अपन श्योरली ये चीज नहीं कह सकते, पर हाँ मान सकते हैं कि हाँ, और ये भी बोला गया है कि दिल्ली के अंदर ही, अगेन वो भी प्रॉब्लम भाई, मेरी क्लास में हो रहा है या सब में ही हो रहा है, ये 11th में ही क्यों हो रहा है, पर 12th में तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है।
ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ का अपन ने कह दिया। उसके बाद मथुरा, मथुरा की बात करते हैं। मथुरा करंटली भी अपन मथुरा के नाम से ही जानते हैं, मथुरा सिटी को। ठीक है, ये बोला गया था कि ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए बहुत ही फेमस जगह मानी गई थी उस टाइम में। ठीक है, मथुरा जो है, क्या कह रही है विकास यहाँ पे, मथुरा है वो ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए बहुत ही एक फेमस जगह मानी गई थी। कहा गया है कि मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टच मथुरा एंड भरूच। भरूच करंटली अपन माने तो जो गुजरात है उसके अंदर एक जगह है भरूच। तो मथुरा और भरूच, उस टाइम में ये बोला गया था कि मथुरा और भरूच के बीच में एक बहुत ही एक अच्छा लैंड रूट बोला गया था, जहां पे बहुत सारे कॉमर्शियल और ट्रेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट किए जाते थे। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ में भी लगभग ऐसा सा था। मैं ये इसीलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में पर्टिकुलर की बार ये पॉइंट आया है। लास्ट ईयर ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया गया था। अबकी बार ये टॉपिक आपकी बुक में पर्टिकुलर मेंशन किया गया है, तो इसीलिए ये टॉपिक मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही कि कोई भी टॉपिक आप जब खुद से एक बार बुक को पढ़े तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैम ने ये वाला टॉपिक है कंप्लीट करवाया नहीं, ये वाला मैम ने क्या कर दिया, छोड़ ही दिया, या हम लोगों को नहीं पढ़ाया। तो इस तरीके का एक भी टॉपिक है मैं नहीं रखवाना चाहती, इसलिए मैं आप लोगों को फेमस जो ट्रेड सेंटर उस टाइम हुआ करते थे, तो ये आप सिर्फ ना रटना है अपने को, ना लर्न करना है अपने को, जैसा मैं बता रही हूँ एक बार उस चीज को दोबारा एक बार माइंड में क्लियर करना है कि मैम बता क्या रही है। तो ये जो कुछ फेमस अपने ट्रेड सेंटर्स थे, जिनमें से फोर्थ मैंने इंद्रप्रस्थ बताया था, इंद्रप्रस्थ के बाद मैं मथुरा की बात कर रही हूँ। मथुरा के लिए बोला गया था कि ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का सेंटर बोला गया था। बोले गए थे कि बहुत सारे रूट है जो साउथ से लेके इंडिया टच है, जो कि मथुरा और भरूच इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो भरूच से भी बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे जाते थे, और मथुरा से भी सेम ऐसा ही है। पर्टिकुलर कुछ नहीं बोला गया है कि इम्पोर्ट सेंटर्स क्या हुए करते थे इनमें, और एक्सपोर्ट किस चीज का अपन करते थे, इम्पोर्ट किस चीज का अपन करते हैं, तो वो चीज कुछ भी नहीं बोली गई है। ठीक है, तो मथुरा में सिर्फ आप इतना ही याद करेंगे। बार बार एक स्टूडेंट, बार बार एक स्टूडेंट इसके अंदर लॉग आउट हो रहा है। साइट लॉक नहीं बता रही है, क्या हो रहा है कि जब मैं क्लास में इंटर आपको करवा रही हूँ तभी आप इंटर हो पा रहे हैं, मुझे यहाँ से वो पता चलता है। कोई भी स्टूडेंट अगर इंटर हो रहा है तो उसके बाद मथुरा के बाद वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आज भी बहुत ही अच्छी जगह बोली गई है। ठीक है, वाराणसी में बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सिटी, मतलब उस टाइम में मतलब जो स्कूल्स कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा बने थे, मंदिर के लिए बहुत ज्यादा फेमस वाराणसी, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर कोई स्टूडेंट गया हो कभी तो उनको पता होगा। इसके बाद जब वाराणसी में उस टाइम के ट्रेड की जब अपन बात करते हैं, तो कहा गया है कि गंगा के किनारे से बहुत ज्यादा व्यापार करा जाता था। ट्रेड की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये कहा गया है कि जो गंगा जो अभी भी है रिवर, ठीक है, एक होली रिवर है, तो ये कहा गया है कि गंगा का जो रूट था वो इनके लिए बहुत ही एक मेजर पॉइंट बोला गया था, कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड उस टाइम किया जाता था वो क्या किया जाता था, कि जो अपन शिप वगैरह का यूज कर रहे हैं इस तरीके से ही कंप्लीट किया जाता था। तो वाराणसी में एक ये कह सकते हैं अपन कि एक पर्टिकुलर बात करें कि उस टाइम ये कहा जाता था कि समुद्री तट वगैरह है, उस तरीके से व्यापार वगैरह ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो वो चीज इसमें इन्वॉल्व अपन करेंगे। साथ में कहा गया है कि मेजर सेंटर थे वो, जो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कोई भी इसके अंदर जो सिल्क के कपड़े बनते थे, ठीक है, जो सिल्क के क्लोथ थे, उसके अलावा जैसे कि चंदन की लकड़ी वगैरह, सैंडलवुड वगैरह होती थी, इन सब के लिए वाराणसी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। देखिए, जैसे स्टार्टिंग की अपन बात करें कि जैसे ट्रेड सेंटर्स वगैरह हैं, इन सब चीजों का कैसे पता चला, आपने बहुत सारी बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा ने इंडिया में आए थे, बहुत सारी खोज करी थी, ऐसा आपने हर जगह पढ़ा होगा। कोई भी स्टूडेंट है, हाँ या ना में रिप्लाई आप देंगे कि आपने बहुत सारी 10th तक बुक्स वगैरह पढ़ी है। ठीक है, सोशल स्टडी वगैरह, साइंस वगैरह, सब चीजें आपने पढ़ी है, अलग अलग पर्टिकुलर बुक, तो आपने ये नाम
हर स्टूडेंट ने सुना होगा कि वास्को डी गामा है, बहुत टाइम पहले इंडिया में आए थे, ठीक है, और उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारी खोज करी थी। तो पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि उस टाइम राजा महाराजा का बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर रूल था। सुना है आप सबने, उस टाइम इंडिया के अंदर राजा महाराजा का बहुत ज्यादा रूल था। ये बोला जाता था कि जो भी वो लोग फाइनलाइज करते हैं वही सारी की सारी जो जनता है उनको मानना पड़ता था, यानी कि अपने जैसे जो लोग थे वहां पे रहते थे उन सबको मानना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद जब मैं इस टॉपिक की बात करूँ, एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है सुनिएगा, कि उस टाइम ये बोला गया था कि जिस कंट्रीज में, जैसे कि मान लीजिए यूरोप की जो कंट्रीज थी इन सबसे वो लोग आते थे, ठीक है, बहुत सारे मतलब फॉरनर है वो उस टाइम आए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे हम लोग स्पाइसेस वगैरह है, मसाले वगैरह का उनका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप कभी भी देख लीजिए, आप इंडिया से बाहर की जब कंट्रीज में आ रहे जा रहे हैं तो स्पाइसेस मसाले वगैरह का यूज वो लोग नहीं करते, ठीक है, उनको नहीं पता इस तरीके का। आजकल तो फिर भी ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा है, पर पहले आपने कभी भी मतलब ऐसा नोट करा हो तो वो लोग कभी भी इस तरीके का यूज है स्पाइसेस वगैरह का वो नहीं करते, ठीक है। तभी तो अपनी ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोविड का है तो ये बोला गया, राजस्थान में तो पर्टिकुलर बोला गया है ये चीज, कि अगर अपन कोविड से इफेक्टेड है भी तो बहुत टाइम बाद पता चलता है इंडियंस में कि भी कोविड से इन्फेक्टेड है, पर्टिकुलर राजस्थान, क्योंकि इस टाइम क्या होता है अपने बॉडी का जो खुद का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा हैवी बोला गया है, क्योंकि अपन गर्म चीजें जो है जैसे चाय कॉफी वगैरह दूध वगैरह, ठीक है, और मसाले स्पाइसेस वगैरह इन सब चीजों का यूज अपन बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे, इंडिया या भारत में कोई भी पर्टिकुलर एक जगह पे वो रुके थे, उस टाइम उन्होंने ये देखा था कि भाई शरीर को गर्म करने के लिए, बॉडी को गर्म करने के लिए, ये भी मैंने कोई पर्टिकुलर बुक के अंदर ही पढ़ा है, आपकी बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो ये कहा गया था। दोबारा ये एक तो क्या पढ़ा है, ये डिस्टरबेंस बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, एक जो अच्छी क्लास होनी चाहिए वो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे ही साथ हो रहा है या बदला लिया जा रहा है ये कोई, ठीक है। तो जब ये देखा गया कि भी इंडियंस क्या करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अपनी इनकी बॉडी तो बहुत ज्यादा इनको ठंड लगती नहीं है, जैसे यहाँ पे इंडिया में अगर बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो पता चलता है कि ठंड क्या है, अपने यहाँ पे जो ठंड है उस ठंड को बाहर की ठंड, बाहर के जो लोग हैं वो अपने यहाँ के जो विंटर्स होते हैं उनको सहन कर ही नहीं पाते, ठीक है। वो अपना बॉडी टेम्परेचर है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अलग अलग लोकेलिटी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, जैसे गुजरात मुंबई इस साइड कोई ठंड नहीं है, पर पर्टिकुलर जब राजस्थान में आप आएंगे तो पता चलेगा ठंड क्या है, और उस चीज को अपन फेस करते हैं, क्योंकि और अपने लिए वो ठंड नॉर्मल ठंड होती है, पर बाहर से अगर कोई बंदा आ रहा है, आपके यहाँ भी अगर कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है विंटर के अंदर, तो क्या हो रहा है उनके लिए वो बहुत बड़ा एक मतलब टारगेट होता है उस चीज को कंप्लीट करना कि वो यहाँ पे रुक पा रहे हैं। अगर आपने कभी भी इस चीज को देखा हो तो बाहर से अगर कोई भी लोग आ रहे हैं तो यहाँ की सर्दियां कभी भी सहन नहीं कर पाते, अपने लिए नॉर्मल है, बाहर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब क्या बोला गया था कि वास्को डी गामा ने उस टाइम देखा कि भाई यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह है, या बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखने का काम करती थी, ये स्पाइसेस वगैरह आए वो। अब राजा महाराजा ने क्या सोचा कि भाई इंडिया में तो ट्रेड का मतलब क्या होता है वो पता ही नहीं है, ट्रेड क्या होता है नहीं पता, तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही रहा है कि भाई कोई भी अगर गेस्ट आ रहा है तो उनको बहुत अपन बहुत अच्छी तरीके से और क्या करेंगे, विदा करेंगे, वेलकम उनका बहुत अच्छे से करेंगे। तो वो अपनी नाव के अंदर भर भर के मसाले और बहुत सारे ऐसे ड्रिंक जो मटेरियल है वो ले गए वहां से, ठीक है। अब उन्होंने वहां पे जाके इस चीज को सोचा कि भाई इंडिया में तो ट्रेड है वो कोई जानता ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे पर्टिकुलर इस नाम से उनको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, और यहाँ पे अपन बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं, और उनको जिस चीज की जरूरत है उनको बदले में अपन क्या कर सकते हैं। मैंने ध्यान रखना, मैंने पहले भी इस चीज को क्लियर करा है कि उस टाइम कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता था, जिस चीज की जरूरत आपको है वो चीज आपको ट्रांजेक्शन करी जाती थी, और बदले में दूसरी पर्टिकुलर जो यूजफुल गुड्स है उसी का ट्रांजेक्शन करा जाता था, जैसे ही मतलब ज्यादा जो पैसा है उसको यूज नहीं करा जाता था। अब 2 या 3 महीने के बाद में, कुछ सालों के बाद में, 3 साल पर्टिकुलर शायद 3 साल इसके अंदर रहा था कि 3 सालों के बाद में वास्को डी गामा दोबारा आए थे इंडिया, ठीक है। हाँ, बार्टर सिस्टम जो रक्षा अपन ने डिस्कस किया था बेटा, एक बार अश्मित, अश्मित को सबसे ज्यादा आई थिंक इसमें लॉग इन लॉग आउट में इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, अश्मित आपको लास्ट क्लास में भी ऐसे ही हुआ था बेटा। तो इस तरीके से बोला गया था कि तब जाके वास्को डी गामा ने कुछ और फॉरनर्स को इस चीज के बारे में बताया था,
तो इंडिया में उसके बाद में बहुत सारे फॉरनर्स हैं, वो और खोज के लिए आए थे, राजा महाराजाओं ने उनसे मिलके, और उन्होंने क्या सोचा कि इनसे जब मिलेंगे तो हम लोगों को फायदा होगा। ये नहीं पता था कि धीरे 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 करके और ये अपना जो एक सिस्टम है वो यहाँ पे स्टेबल कर लेंगे और हम लोगों को निकालेंगे। तो वो वाला सिस्टम है वो धीरे 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 इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया। और पर्टिकुलर एक ऐसा टाइम आ गया, मोहम्मदंस ने यहाँ पे रूल अपना करा था, फॉरनर से अपना अपना रूल करा था, और इंडिया में जितने भी जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंस थी इंडिया में कि भाई इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा था, तो उस चीज को कन्वर्ट करते हुए, जैसे कि वो फिर एक टाइम ये आ गया था कि आपने अभी तो जैसे आप सुनते हैं कि महारानी एलिजाबेथ जो अभी भी है तो वो नहीं है, उनकी पर्टिकुलर जो जनरेशन है वो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो चलती जा रही है। तो उनसे पर्टिकुलर क्या लिया गया था उस टाइम, एक जैसे एक अपन कह सकते हैं राइट होता था, ठीक है, एक राइट होता था, वो राइट उनसे ले लिया गया था। तो उन्होंने इस चीज की परमिशन दी थी कि आप इंडिया में जाइए और आप ट्रेड कीजिए। पर्टिकुलर शायद मेरे अकॉर्डिंग रहा था तो 200 ईयर्स का कुछ उन्होंने ऐसा कुछ एग्रीमेंट बनाया था कि इंडिया में आप जाइए और 200 ईयर्स तक आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो वो लोग आए थे, उन्होंने खूब इंडिया में ट्रेड करा है, खूब जो जितने भी इंडिया में बहुत जरूरी जरूरी चीजें थी उन सब चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है, और आज इंडिया में जो भी कंडीशन है वो अपने को जो देखने को मिल रही है वो उन्हीं के बलबूते के ऊपर है। ठीक है, आज जब ये देखा जाता है, आज अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, पर्टिकुलर अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की जो रिसेंटली मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में जो मेजर कॉन्सेप्ट लर्निंग के पढ़ाए जाते थे जो बुद्धिस्ट के टाइम से भी पहले थे, ठीक है, जिनमें अपने वेदास वगैरह इन्वॉल्व करे जाते थे, संस्कृत वगैरह का नॉलेज, वो ही अपना बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम था वो रहा था। उसके बाद में जितने भी एजुकेशन सिस्टम आए हैं फॉरनर एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जो भी आज अपन पढ़ रहे हैं वो सारे फॉरनर जो रूल्स रेगुलेशन के एजुकेशन सिस्टम थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, इंडिया में इस तरीके का लर्निंग कॉन्सेप्ट कर दो। इंडिया में इंग्लिश सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता ही नहीं था, उन्होंने ही आए और इंडिया में इंग्लिश सब्जेक्ट जो है उसको इन्वॉल्व करा गया था। तो ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि ट्रेड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस टाइम से ट्रेड की शुरुआत हो गई थी, जिसको आज अपन बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्रीज वगैरह में इन्वॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है वो इस तरीके का ऐसे हो रहा हो कि मैम बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा इन्वॉल्व हिस्ट्री वगैरह में, समझ आ रहा है जो मैं करवा रही हूँ, यस और नो में आप रिप्लाई देंगे, जो मैंने एग्जाम्पल वगैरह में जो आपको करवा रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं? ओके, सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ आप लोग समझ नहीं पा रहे उस चीज को, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको बताया है कि ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं अपनी हिस्ट्री में अगर अपन जाए तो। ये मैंने पर्टिकुलर एक बुक के अंदर पढ़ा था तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे इंद्रप्रस्थ अपना हो गया था, तीन पहले स्टार्टिंग में अपन ने पढ़े थे, कौन सा, पाटलिपुत्र पढ़ा था, पिशावर अपन ने किया था, उसके बाद तक्षशिला हुआ था, तक्षशिला के बाद में अपन ने इंद्रप्रस्थ करा, और इंद्रप्रस्थ के बाद अपना था मथुरा, मथुरा के बाद वाराणसी। तो वाराणसी में दोबारा मैं बता देती हूँ कि गंगा का जो रूट था पर्टिकुलर उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया था इन लोगों के द्वारा। उसके बाद में ये कहते हैं कि हाईवे, पर्टिकुलर वाराणसी में एक हाईवे जो है उस हाईवे को लिंक किया गया था नॉर्थ जितने भी सीज वगैरह थे, समुद्र वगैरह थे, उन सब चीजों से। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही रूट बोले गए थे जिनमें फेमस, ये बहुत सारी ऐसी कही गई थी कि टेक्सटाइल वगैरह इंडस्ट्रीज हुई, इसके अलावा कॉटन जो क्लोथ वगैरह है या गोल्ड सिल्क क्लोथ वगैरह, सिल्क का सबसे ज्यादा जो बोला गया था उस टाइम में जो इम्पोर्ट हुआ था वो वाराणसी से ही किया गया था। उसके बाद में जो मैंने बताया सैंडलवुड वगैरह है, ये सब चीजें भी वाराणसी से ही सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करी गई थी। तो ये भी कहते हैं कि ये भी एक लिंक रखता है तक्षशिला और भरूच और वाराणसी, इनका भी एक मेजर रूट उस टाइम हुआ करता था। मिथिला, मिथिला एक पर्टिकुलर ट्रेड सेंटर बोला गया है चैट बॉक्स में। ओके, मिथिला एक ट्रेड सेंटर बोला गया है, ये कहते हैं कि मिथिला में भी सेम चीज बोली गई है कि सीज जो है समुद्र तटीय जो है, ठीक है, बोट वगैरह से सबसे ज्यादा ट्रेड उस टाइम हुआ करता था मिथिला से। अब ये कहते हैं कि मिथिला जो है वो साउथ में, जैसे स्पेशली साउथ का अपन कह सकते हैं कि साउथ चाइना, और स्पेशली कहते हैं कि यूनान जो कंट्री है, ये कहते हैं कि मिथिला जो जगह है वहां पे ओवरऑल इंडिया में नहीं,
इंडिया के बाहर भी बहुत दूर दूर तक, जैसे कि चाइना, यूनान वगैरह, इन कंट्रीज तक भी यहाँ से एक्सपोर्ट की गई थी चीजें। मिथिला एक जगह बोली गई है, तो मिथिला में ये कहा गया है कि बे ऑफ बंगाल से चाइना का जो अपन कह सकते हैं साउथ चाइना सी, वहां तक भी यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी चीजें। अब ये नहीं कहा गया है कि पर्टिकुलर अपन उस टाइम ट्रेड या किस चीजों का मिथिला से अपन ट्रेड किया करते थे, बस यही बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल से लेके, यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, से लेके चाइना के जो सीज वगैरह है वहां तक। और उसके अलावा बोला गया है इसमें कि यूनान जो है, यूनान और चाइना स्पेशली ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो हुआ करता था मिथिला से, वो चाइना और यूनान के अंदर हुआ करता था। उसके बाद में उज्जैन, आज भी करंटली सिटी है वो उज्जैन ही है, बहुत ही अच्छी जगह बोली गई है। तो उज्जैन में बोला गया है कि उज्जैन जो है वो सबसे ज्यादा क्लोथ के लिए एक्सपोर्ट सेंटर बोला गया था, ठीक है, कि एक्सपोर्ट की जब अपन बात करते हैं उज्जैन से, तो उज्जैन में एक एक्सपोर्ट सेंटर, बहुत मेजर एक्सपोर्ट सेंटर बोला गया था क्लोथ के लिए उस टाइम। इसके अलावा बोला गया था कि बहुत सारे ट्रेड रिलेशन बिल्ड करे थे इन्होंने लैंड रूट के थ्रू, जो इसमें तक्षशिला और पेशावर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व है। देखिए, ध्यान रखना कि जो जस्ट मैंने वाराणसी बताया था, वाराणसी में मैंने बोला था कि तक्षशिला और भरूच, इसका मतलब तक्षशिला बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम। उसके बाद में जस्ट मैंने उज्जैन बोला है, तो उज्जैन में मैंने बोला है तक्षशिला और पेशावर, इससे भी इनका लैंड रूट है वो लिंक करता था कहीं ना कहीं। ये नहीं था उस टाइम कि पर्टिकुलर ये सिटी वो है, इसी सिटी से अपन डायरेक्ट वहां तक जा पाएंगे, नहीं, एक दूसरे से काफी सारे लैंड रूट है उसको मर्ज किया गया था, ठीक है। तो उज्जैन में सिर्फ इतना बोला गया है कि क्लोथ है पर्टिकुलर उनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सेंटर, फेमस एक्सपोर्ट सेंटर बोला गया था। इसके अलावा तक्षशिला और पेशावर से भी मेजर एक लैंड रूट इसमें फेमस था। फिर सूरत की बात की गई है, तो सूरत में इन्होंने कहा है कि मुगल पीरियड में सबसे ज्यादा इस सिटी को फेमस किया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, जरी का जो वर्क होता था, गोल्ड बॉर्डर्स वगैरह का, जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, वो सूरत से ही बहुत सारे ऐसे आते हैं। सूरत में क्या होता है, आज भी करंटली मैं बताऊं आपको, नॉर्मल क्लोथ के ऊपर कढ़ाई बुनाई वगैरह, जरी वर्क या एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह है, वो सूरत में सबसे ज्यादा होता है। आज भी इंडिया में सूरत में सबसे ज्यादा होता है। तो उस टाइम भी कहा गया है कि सूरत सिटी को फेमस किया था मुगल पीरियड में, क्योंकि जरी वर्क जब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, वो था मुगल एम्परर, जो मुगल पीरियड अपन आया था अपना एक इंडिया के अंदर, उस टाइम जरी वर्क को सबसे ज्यादा फेमस किया गया था, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि सूरत में, सूरत से अपन देखे तो इजिप्ट वगैरह, ईरान वगैरह, यहाँ यहाँ तक एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स हुआ करता था। साथ में कहा गया है कि ये बहुत ही एक फेमस टेक्सटाइल वगैरह है, सूरत को एक फेमस टेक्सटाइल के रूप में अपन जानने लगे थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखे 9 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करवाए हैं। सबसे पहले मैं दोबारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, सबसे पहले अपन ने क्या किया, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद में, और आप लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे, पहला पाटलिपुत्र था, सेकंड अपना कौन सा था, यहाँ पे पाटलिपुत्र के बाद में अपन ने, एक सेकंड, डिस्कस किया था पेशावर, पेशावर के बाद में अपना यहाँ पे कौन सा था, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला के साथ बाद में अपन ने किया था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के बाद में मथुरा, मथुरा के बाद में था वाराणसी, वाराणसी के बाद में मिथिला, उज्जैन, और उसके बाद था सूरत। कंफ्यूज मत होना, जैसा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताती जा रही हूँ, सिर्फ आपको माइंड में वही चीजें रखनी है। और आई होप सभी स्टूडेंट्स हैं वो एक एक रफ नोटबुक और पेन वगैरह लेके तो बैठते ही होंगे, जिनके पास बुक वगैरह नहीं है तो, ठीक है, चैट बॉक्स में। ओके, अब कौन टाइप कर रहे हैं भाई, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक डाउट है किसी स्टूडेंट को, यहाँ तक में तो आई थिंक डाउट होना नहीं चाहिए। दोबारा कोई स्टूडेंट है, विकास, ओके ओके पूर्वा, ओके रक्षा, उसके बाद में ये कह रहे हैं, कांची एक जगह बोली गई है, यहाँ से भी बहुत अच्छा ट्रेड सेंटर बोला गया था, एक मेजर ट्रेड सेंटर में इन्वॉल्व करते थे कांची, जो कि प्रेजेंटली अपन कहते हैं कांचीपुरम, एक जगह बोली गई है, आई थिंक साउथ में रिलेट करती है, कांचीपुरम जो जगह है उसको ट्रेडिशनल जो बिजनेस कॉन्सेप्ट था, ट्रेड था अपने सिनेरियो में, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कांची, जो प्रेजेंटली नोन एज कांचीपुरम, ठीक है।
ये कह रहे हैं कि चाइनीज सबसे ज्यादा जो एक शिप से यहाँ पे इन्होंने ट्रेड करा था, उसके बाद में बोला गया है कि पर्टिकुलर बहुत सारे रेयर स्टोन्स जो कि आज अपने को देखने को मिल भी नहीं सकते, वो रेयर स्टोन्स, इसके अलावा ग्लास वगैरह, ठीक है, पर्ल्स वगैरह, पर्ल जो कह रहे हैं, और गोल्ड और सिल्क वगैरह का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया था किससे, कांची, जो कि प्रेजेंटली नोन एज कांचीपुरम, सबसे ज्यादा यही बोला गया है कि चाइनीज जो है तो चाइनीज का सबसे ज्यादा यहाँ मेजर रोल बोला गया था, और फॉरेन ट्रेड करा गया था, फॉरेन ट्रेड के नाम से इसको फेमस करा गया था, और शिप वगैरह से सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। पर्टिकुलर कौन कौन से एग्जाम्पल्स अपने को दिए गए हैं, पल हुआ, ठीक है, पल्स हुई, फिर ग्लास हुआ, फिर बहुत सारे रेयर स्टोन्स बोले गए हैं, स्टोन्स के साथ रेयर वर्ड यूज किया गया है कि रियल स्टोन्स जो कि बहुत ही फेमस थे स्टोन्स। अगेन कौन, खुशी, ठीक है, तो कांचीपुरम में सिर्फ इतना ही अपने को मेंशन कर रखा है, ये अपने को याद रखना है कि चाइनीज जो अपन कह सकते हैं प्रोडक्ट वगैरह का जो मतलब ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग होता था, वो चीज यहाँ पे मेंशन थी। इसके अलावा ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे मथुरा, ठीक है, मथुरा बोला गया है इनमें, कि मथुरा को बोला गया था कि जैसे मैंने पांड्याज का भी एग्जांपल दिया था कुछ देर पहले, नेहा ने मुझसे पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि मथुरा की जब अपन बात करते हैं तो मथुरा में बोला था कि ये जो मथुरा जगह थी, पांड्याज जो थे, पांड्याज इट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज, ठीक है, पांड्याज कैपिटल की कैपिटल बोली गई थी। अब पांड्याज ने यहाँ पे क्या करा था, विक्ट्री करा था, कंट्रोल किया था, इस चीज को कैप्चर किया था, ठीक है, और किस चीज पे किया था, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रेड बोला गया था वो पर्ल फिशर्स का था, ठीक है, पर्ल फिशर्स का बोला गया था कि जो पर्ल फिशेज होती हैं, अगेन कृतिका, खुशी, सॉरी बार बार ये चीज हो रही है, तो ये पांड्याज में देखिए थोड़ा सा मतलब अटपटा सा पॉइंट है, ये मधुरा, मधुरा जगह बोली गई है, मधुरा में देखिए क्या बोला है, पांड्याज की कैपिटल थी, साथ ही साथ बोला गया है कि पांड्याज ने इस चीज को कैप्चर करा था, कंट्रोल किया था, और विक्ट्री मतलब कि क्या हुआ था, वॉर हुआ था उनके बीच में, मधुरा सिटी उन्होंने पर्टिकुलर और कैप्चर की है, विक्ट्री की है उस चीज पे। तो उसके बाद बोला गया है, इस चीज को जोड़ा गया है किससे, देखिए इट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्याज वो कंट्रोल द पर्ल फिशर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार एक खंबात की खाड़ी बोली गई थी जहां पे सबसे ज्यादा क्या किया गया जाता था, जो पर्ल फिशेज होती है उनका मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रेड तो अपन उस टाइम नहीं कह सकते, पर सबसे ज्यादा वहां पे पर्ल फिशेज हुआ करती थी, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया था पर्ल फिशेज का यहाँ पे। उसके बाद बोला गया था कि फॉरेन मर्चेंट वगैरह है, जैसे कि रोम के लोग वगैरह स्पेशली यहाँ पे, ठीक है, और वो ही है कि रोम स्पेशली इस पे बोला गया है कि रोम के जो लोग थे वो स्पेशली इस चीज से अट्रैक्ट हुए थे, और सबसे ज्यादा ट्रेड जो पॉइंट रहा था वो ओवरसीज में के अकॉर्डिंग रहा था, और किस चीज में, ये बोला गया है कि पर्ल फिशेज जो थी उसका सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पे फेमस हुआ था। दोबारा मैं इस चीज को बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना कि मधुरा की बात कर रहे हैं, पांड्यास की कैपिटल थी, इस जो कैपिटल पे इन्होंने क्या किया था, विक्ट्री करा था, कंट्रोल किया था, इस चीज को कैप्चर करा था इस जगह को इन्होंने, और यहाँ पे बोला गया है गल्फ ऑफ मन्नार में एक फेमस हुआ था यहाँ पे पर्ल फिशेज, ठीक है, मोती पाल मछली पालन जो है उनका काम सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, तो इस चीज को पर्टिकुलर रोम के लोग इस चीज से अट्रैक्ट हुए थे, और सबसे ज्यादा ट्रेड जो पॉइंट हुआ था वो यही यहाँ पे बोला गया था, ठीक है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है भरूच, पर्टिकुलर अपन कह सकते हैं कि नर्मदा रिवर है उसके किनारे पे बसा हुआ एक जगह है जो प्रेजेंटली गुजरात के अंदर अपन इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं भरूच जगह जो है, भरूच को कहा गया है कि वेस्टर्न इंडिया है, वहां पे ट्रेड सेंटर और कॉमर्स के लिए एक बहुत ही फेमस जगह मानी गई थी उस टाइम के अंदर। अब कौन इन्वॉल्व हुए हैं, अश्मित और खुशी, बार बार, ठीक है, तो भरूच को बोला गया था कि बहुत ही एक कॉमर्स के लिए फेमस और ग्रेटेस्ट
वेस्टर्न इंडिया के बहुत ही एक फेमस ट्रेड सेंटर बोला गया था। साथ में कहा गया है कि ये जो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर जो है उनके किनारे पे बसी हुई एक जगह है। साथ में बोला गया था कि बहुत सारे जो रोड जो अपने रूट हुए थे उनमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो रूट थे उनमें से एक अच्छा जो मेजर लिंक पॉइंट हुआ करता था वो था भरूच। भरूच का नाम अपने पीछे भी बहुत जगह पढ़ा है। तो भरूच के अंदर सिर्फ ये बोला गया है कि भरूच है वो वेस्टर्न इंडिया में कॉमर्स और ट्रेड के लिए एक फेमस प्लेस माना गया था, ठीक है। नर्मदा रिवर है उसके किनारे पे बसा हुआ एक जगह बोला था, आज भी सेम है। और साथ में बोला गया है कि रोड, अपन की बात करें रोड रूट की बात करें तो एक फेमस लिंक पॉइंट बोला गया था भरूच जगह को। भरूच में भी उस टाइम का मैं नहीं कह सकती, पर प्रेजेंटली का जब अपन बात करते हैं ट्रेड वगैरह का तो भरूच में क्लोथ जो मटेरियल है, ठीक है, कॉटन क्लोथ है, उसका सबसे ज्यादा वर्क है वो भरूच में प्रेजेंटली करा जाता है। जो अपन कहते हैं प्योर कॉटन जो है वो भरूच के अंदर आज बहुत जगह फेमस बोला गया है ये काम, उस टाइम का मैं नहीं कह पा रही। उसके बाद बोला गया है, देखिए नेक्स्ट जो अपना है, यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना है, साथ साथ आप लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। कावेरी पटा, ठीक है, कावेरी पटा करके कुछ इन्होंने जगह बोली है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला गया है, आज कावेरी पट्टनम के नाम से फेमस है ये जगह। कावेरी पटा करके कुछ पता करके कुछ जगह थी जो कावेरी पट्टनम के नाम से आज फेमस है। बोला गया था इसके अंदर बात अपन करें कि कावेरी पट्टनम में ये कहा गया था कि बहुत सारे अलग अलग जगह, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन सिटी, ठीक है, इस जगह को अपन कंस्ट्रक्शन और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड लोडिंग अनलोडिंग और स्टोक फैसिलिटी ऑफ मर्चेंडाइज, व्यापारियों के लिए सबसे ज्यादा, मतलब इन लोगों ने क्या किया था, अपने अपने जो भी जगह एक एक इनको पर्टिकुलर, जैसे अब तो अपन ऑफिस बोल सकते हैं, इनको अपने काम के लिए जो पर्टिकुलर एक प्लेस की जरूरत होती थी तो वो प्लेस सबसे ज्यादा कावेरी पट्टनम जो जगह है वहां पे इन लोगों ने इस चीज को यूज किया था। उसके बाद में कहा गया है कि फॉरेन जो ट्रेडर्स हुए थे उनके लिए एक हेडक्वार्टर सिटी के नाम से भी जाना गया था कावेरी पट्टनम, कि जो जितने भी फॉरेन ट्रेडर्स वगैरह थे उनके लिए एक हेडक्वार्टर सिटी जो थी वो कौन सी थी, कावेरी पट्टनम जो सिटी है उसी को हेडक्वार्टर ऑफ द सिटी बोला गया था। इसके बाद में ये एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेस था क्योंकि एक मिड का रूट माना जाता था जो कि डायरेक्ट, ठीक है, मतलब मर्ज करता था किस चीज को, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, और ईस्ट में भी बहुत सारे दूर दूर के बहुत सारे प्लेसेस थे जिनको एक साथ लेके चलता था। तो इसलिए बोला गया था कि भाई ट्रेड के लिए तो ये बोला गया है ना, जो सबसे सुटेबल प्लेस है उस जगह को आप इन्वॉल्व करो। तो उस जगह में ये बोला गया था कि कावेरी पट्टनम जो है एक मिड का पॉइंट माना गया था। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे फॉरेन ट्रेडर्स उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वो भी वहां पे स्टेबल कर दिया। साथ ही साथ बोला गया था कि इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना या फिर ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज का अपन ले ले एग्जाम्पल, तो ये सारी जो कंट्रीज है इनके लिए डायरेक्ट ट्रेडर का जो मेजर जो पॉइंट बोला गया था वो था कावेरी पटना। उसके बाद में अपन कह सकते हैं कि सिल्क, वूल, कॉटन, ठीक है, पर्ल, गोल्ड वगैरह के लिए भी ये जगह बहुत ही ज्यादा फेमस रही थी, ठीक है। अब जो अपन मेजर ट्रेड सेंटर्स पढ़ रहे हैं उनमें लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है ताम्रलिप्ति, ठीक है, ताम्रलिप्ति जो अपना है वो लास्ट इसमें पॉइंट बोला गया है। तो ताम्रलिप्ति है वो भी एक पर्टिकुलर जगह बोली गई है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोला गया है कुछ भी, सी जो अपने सीज वगैरह थे, सी जो अपन ट्रेड की बात करते हैं समुद्री व्यापार की जब अपन बात करते हैं तो ताम्रलिप्ति बहुत ही ग्रेटेस्ट पोर्ट माना गया था, ठीक है, बहुत ही ग्रेटेस्ट पोर्ट के नाम से जब अपन देखे, जब अपन एंशियंट टाइम की बात करेंगे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अब पीछे के जो अपन ट्रेडिशनल सिनेरियो में जब अपन जाते हैं ट्रेड कॉन्सेप्ट के अंदर तो ताम्रलिप्ति जहाँ पे वर्ड आता है तो मान लीजिएगा ग्रेटेस्ट पोर्ट, ठीक है, ताम्रलिप्ति ही हुआ करता था उस टाइम में। अब जब ग्रेटेस्ट पोर्ट बोला गया है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे अलग अलग जितने भी ट्रेड कॉन्सेप्ट हुआ करते थे उनको लिंक करने का काम है ये पोर्ट किया करता था। तो बोला गया है कि वेस्ट की बात करें या ईस्ट की बात करें, ठीक है, इट वॉज लिंक्ड बाई रोड टू बनारस एंड तक्षशिला। जब बाई रोड की बात करें तो बनारस और तक्षशिला को इन्वॉल्व करता है, और बाई सीज या बाई जब अपन पोर्ट की बात करते हैं तो सबसे ग्रेटेस्ट पोर्ट है वो ताम्रलिप्ति है, वो ही इन्वॉल्व करा गया है। तो यहाँ पे मेजर जो ट्रेड सेंटर्स हैं वो कंप्लीट हुए। एक बार मैं दोबारा आप लोगों के साथ रिवाइज करवा रही हूँ।
अपूर्वा क्या कह रहे हैं मैम? स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग अपूर्वा ने मेंशन कर दी है, ठीक है। इसको जो कम्युनिकेशन में लेंगे वो ताम्रलिप्ति ही लेंगे अपन। तो 14 मेजर सेंटेंस बोले हैं मैंने, एक बार आप रिवाइज करेंगे कौन कौन से हैं, देखती हूँ मैं कितने लर्न हुए हैं आपको। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कौन सा, पाटलिपुत्र, दूसरा था अपना पेशावर, थर्ड था अपना तक्षशिला, तक्षशिला के बाद में इंद्रप्रस्थ की बात की गई थी, इंद्रप्रस्थ के बाद में अपने मथुरा, मथुरा के बाद में वाराणसी, वाराणसी के बाद में उज्जैन, उज्जैन के बाद में इन्होंने मिथिला बोला था, मिथिला उज्जैन आगे पीछे था सॉरी, तो मिथिला देन उज्जैन, फिर था सूरत, सूरत के बाद कांची जिनको कांचीपुरम के नाम से प्रेजेंटली नॉन करते हैं अपन, मथुरा मधुरा सॉरी मधुरा, फिर था भरूच, फिर था कावेरी पटा जिनको कावेरी पट्टनम के नाम से रिसेंटली अपन जानते हैं, और लास्ट था अपना ताम्रलिप्ति। ठीक है, इनमें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि ये नहीं है। मैं आगे भरूच अगेन दोबारा बताऊं आपको, ठीक है। भरूच के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, ये कह रहे हैं भरूच आपने अभी कभी मतलब गुजरात आप जाएंगे या गुजरात में कभी आपने ऐसा करा हो तो भरूच है वो। एक सेकेंड, सुधीर है वो काफी देर से लॉगिन में, हाँ ओके, ये कहा गया है भरूच, आप नेहा पूछ रहे हैं तो भरूच के लिए मैं, कौन स्टूडेंट है वो भरूच बताएगा, कोई स्टूडेंट है? अपूर्वा, रक्षा, अश्मित, कोई भी स्टूडेंट है वो भरूच को एक्सप्लेन अगर करे, रोहित, राकेश, तोशी, जो नहीं मुझे याद है भी, कृतिका वो मैं अभी ले रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट? हाँ, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, और कोई स्टूडेंट जो कि भरूच, बहुत इजी, पर्टिकुलर कोई एग्जांपल अपने को मेंशन करा ही नहीं है, ये बोला गया है बहुत ही एक मेजर इंपॉर्टेंट मार्ट बोला गया था रोडवेज के लिए, रोड ट्रेड के लिए, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर जगह को मर्ज करने का काम करता था फेमस ट्रेड सेंटर विच ऑल द इंपॉर्टेंट मार्ट्स बाय रोडवेज, बिल्कुल सही है पूर्वा। और कोई स्टूडेंट? द वर्क ऑफ कॉटन क्लोथ हैपन इन भरूच, हाँ बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि भरूच में कॉटन क्लोथ है उसका प्रेजेंटली बहुत ज्यादा अभी ट्रेड अपन कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा जो कॉटन, जो एक अच्छा कॉटन है वो गुजरात से आई थिंक बेटर नहीं हो सकता कहीं पे। और कोई स्टूडेंट? प्रियांश भी इन्वॉल्व हुए हैं क्लास में, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट बताएंगे? भरूच के अंदर जितना भी इन्होंने बताया है, इट इज सिचुएटेड ऑन द नियर ऑफ बैंक ऑफ नर्मदा, फेमस था ट्री सेंटर्स के लिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट मार्क बाय रोडवेज, साथ में कॉटन क्लॉथ हैपन इन भरूच, सबकी जो एग्जांपल जो सभी ने अपने अपने प्राइस दिए बहुत ही अच्छे दिए हैं। उसके बाद है वेस्टर्न इंडिया में मेजर ट्रेड और कॉमर्स सेंटर बोला जाता था, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी नेहा आप इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, और सेम यही चीजें मैंने भी आपको बताई थी अभी। तो आज की जो क्लास है इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ, वरना आगे का जो पॉइंट्स है, आगे का जो आपका नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा जो अपना, तो वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे अगर मैंने एक साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे करवाया है तो, ठीक है। 14 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं एज ए मेजर ट्रेड सेंटर, ठीक है, और एंशियंट टाइम की अपन बात कर रहे हैं, ट्रेड की अपन बात कर रहे थे, तो वो आप मेंशन करेंगे। नहीं, ये पॉइंट रोहित यही पे कंप्लीट हो गया है, मोस्ट वेलकम अपूर्वा, ये पॉइंट है, ये जो अपना पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मेजर ट्रेड सेंटर ये 14 ही थे जो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो अपन पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क, जो कि नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। आज का जो जो क्लास है वो मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ। बाय राकेश, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, अच्छा ठीक है, बाय अपूर्वा। और अगर इससे रिलेटेड आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसा डाउट या कोई भी ऐसा आता है डाउट, तो आप नेक्स्ट क्लास में अपना अपना मेंशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट मुझे डाउट पूछ रहा है इट मींस वो पढ़ रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो तुरंत मुझसे बहुत सारे डाउट्स वो क्लियर कर लेते हैं,
तो ऐसा होना चाहिए, तभी मैं मान पाऊंगी कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ओके बाय नेहा, बाय विकास, ठीक है, बाय कृतिका। तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू बेटा, बाय अश्मित। रिकॉर्डिंग मोड ऑफ करते हैं।